से देखते हैं। देखिए, एक शख्स किडनैप्ड है, किडनैप आदमी से तो जो चाहें आप लिखवा लें, जो चाहें आप साइन करा लें। और कानून शहादत आर्डर यहाँ तक ये कहता है कि अगर कोई शख्स पुलिस की कस्टडी में है या किसी के भी कस्टडी में है, लीगल कन्फाइनमेंट में है, तो उसके इवन लॉफुल कस्टडी में भी है, तो उसकी कोई स्टेटमेंट लीगल वैल्यू नहीं रखती। ये तो है ही इलीगल कस्टडी में, इलीगल कन्फाइनमेंट में है, इसकी क्या कानूनी हैसियत है? ये अगर हमारे लोग, ये अगर इस मुल्क का आईन मौजूद है, तो जिसने इस वक्त इसको इस स्टेटमेंट को इस्तेमाल कर रहा है, वो मुजरिम है। इनको उठाने में किडनैपिंग का उनके खिलाफ FIR बनती है, तो लिहाजा इस पर FIR दर्ज करानी चाहिए। जो कंसर्न लोग हैं, तो भाई इतने अरसे से वो किडनैप था, उसके वेयर अबाउट्स नहीं पता। आज जिस जो इसको पता करके बता रहा है कि जनाब उसने स्टेटमेंट दे दी है, तो वो लोग, वो अशखास, वो उठाने वाले सारे इसके कल्प्रिट्स हैं, उनके खिलाफ अगवा का मुकदमा बनता है। सर, वैसे 164 का बयान क्या कि हैंड रिटन होता है या टाइप हुआ हुआ, आप उसको प्रिंट करके दे सकते हैं? भाई, वो मजिस्ट्रेट के पास अगर कोई शख्स जाता है इंडिपेंडेंटली, इवन कोई कस्टडी में भी हो, तो जज उससे सवाल और जवाब करता है, आपके ऊपर कोई प्रेशर तो नहीं है, आपके ऊपर कुछ है तो नहीं है, वो फिर अपना सर्टिफिकेट देता है कि मैंने तसल्ली कर ली है, इसके ऊपर किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं है। वो फिर कमरे में अकेला होगा, उसको मौका दिया जाएगा सोचने का कि क्या आप इसके खिलाफ, आपके खिलाफ इस्तेमाल भी ये हो सकता है, क्या आप ये अपनी मर्ज़ी से दे रहे हैं। और उसके बाद वो हैंड रिटन होता है, जो वो कहता जाता है वो लिखता जाता है, ये टाइप शुदा उठा के साइन करके।